तो गाइस आज मैं लगाने वाला हूँ मार्स मिनोक्सिडिल का। अभी लेटेस्ट मैंने मंगवाया है ये और इसको सर पे लगाने वाला हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को इसको लगाते हुए, करीब 2 साल तक से मैं इसको लगा रहा हूँ। और जो हेयरलाइन मेरी पहले झड़ चुकी थी उसके बाद से अब नहीं झड़ती है इतना। मेरे 2 साल पहले झड़ चुका था बाल और अब बिल्कुल रुक गए हैं, मेरे बाल बिल्कुल भी झड़ते नहीं हैं। और ये मिनोक्सिडिल मैंने मंगवाया था, ये जैसा कि आप देख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में आता है बिल्कुल पानी की तरह, और मैन मेटर्स के मिनोक्सिडिल से बिल्कुल अलग आता है। देखिए आप जिस तरीके से बिल्कुल पानी की तरह आता है। और इसको बालों में लगाने वाला हूँ मैं, रोज़ लगाता हूँ मैं, करीब मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गया है और ये मेरा डेली चैलेंज है। मैं यहाँ से day 1 से शुरू कर रहा हूँ और इसको मैं आपको रोज़ लगाते हुए दिखाऊँगा। और इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा आप ड्रॉप करते जाइए। इसको वैसे कहते हैं कि दिन में सुबह आप एक ML लगाओ और रात को 1 ML लगाओ, लेकिन मैं एक ही साथ 2 ML तक मैं लगा लेता हूँ एक साथ ही, ताकि पूरे बालों में अच्छे से लग जाए, है ना। तो ये आप भी कर सकते हैं और अब मेरे बाल बिल्कुल भी झड़ते नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और अभी के टाइम पे ये स्मेल भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को इसमें। और जैसे कुछ लोगों के लिए, जैसे अभी का जो मैंने नया मिनोक्सिडिल ऑर्डर किया है तो इसकी स्मेल थोड़ी अलग हो गई है पहले से। ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड इसके अंदर परफ्यूम डाल दिया है, जो कि किसी लोगों को परफ्यूम से यदि एलर्जी है तो उसको इससे भी दिक्कत हो सकती है। तो बस ये एक डिसएडवांटेज है। और हाँ, दूसरी बात ये कि मैन मेटल्स के मिनोक्सिडिल को यदि आप लगाओगे तो वो थोड़ा डेंसिटी वाला लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा ऑयली है। और ये इसको यदि लगाते तो जैसे ही बालों में आप लगाओगे तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होएगा और ऐसा लगता है कि जैसे आपने पानी की तरह कुछ लगाया है, तो मतलब फील होता है कि हाँ आपने जड़ों के अंदर कुछ लगाया है। तो मार्स का मिनोक्सिडिल काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अभी मैंने इसको लगाया तो मेरे थोड़ा मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा दिया इस बार, तो मेरे चेहरे में क्या है थोड़ा सा चक्कर से मुझे आने लग गए। तो ये होता है, नॉर्मली है, आपको 1-2 दिन तक लगेगा कि हाँ चक्कर आ रहे हैं, फिर उसके बाद सही हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे आप इसको लगाते हैं तो आपके सर के अंदर जो खून की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, जिससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदा है, मैं 2 साल से लगा रहा हूँ, अब मेरे बाल बिल्कुल भी झड़ते नहीं है और डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये मेरे लिए फ़ायदा है, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेंसिटी हो गई है। और इसको 2 साल से मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ। इस तरीके से आप बालों के अंदर, जड़ों के अंदर अच्छे से लगा सकते हैं और रीग्रोथ भी करता है, लेकिन ये पीछे के बालों की तरफ रीग्रोथ करता है। स्मेल काफ़ी अच्छी है इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन कुछ लोगों को ये बेकार लग सकती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड स्मेल डाल दी है। पहले इतनी स्मेल इसमें आती नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादा आने लग गई है। तो ये एक नुकसान भी हो सकता है जिन लोगों को परफ्यूम से दिक्कत है। बाकी काफ़ी अच्छा है ये मिनोक्सिडिल। मैं मैन मेटर्स का भी मैंने यूज़ किया हुआ है, उसका भी मैं एक बार आपको वीडियो बता दूंगा। और मार्स का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मार्स का काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसका जो लिक्विड फॉर्म है ना, ये पूरे बालों पे अच्छे से लग जाता है और मतलब फील होता है कि हाँ बालों में कुछ लगाया है। और मार्स में ऐसा नहीं है, मार्स का तो थोड़ा गाढ़ा आता है, तो उसकी मात्रा ज़्यादा लगती है सेम मिनोक्सिडिल के मुकाबले, ये अपने मार्स की मिनोक्सिडिल के मुकाबले, क्योंकि वो गाढ़ा आता है तो अच्छे से जड़ों में लगा नहीं पाते हैं उसको। तो बस ये एक डिसएडवांटेज है मार्स मेन मेटर्स का। और ये जो मिनोक्सिडिल है, एक डब्बी मैंने करीब, ये मैंने 350 रुपये की मंगवाई है एक डब्बी, वो मैं बताता हूँ कैसे कि मैंने 350 की कैसे मंगवाई। तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको उसके अंदर ही वो कोड डालना है, जब भी आप ऑर्डर करेंगे ना तो कोड डालना है। तो 20% का आपको एक तो 20% का आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ऊपर से जो प्राइस है वो 799 है। वो इसलिए क्योंकि मैंने 2 डब्बे एक साथ मंगवाए, यदि आप 2 डब्बे एक साथ मंगवाओगे मिनोक्सिडिल के तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा और आपको सस्ता पड़ेगा। तो वैसे सस्ता हो गया, उसके अलावा 20% का जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो कोड का भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो उससे क्या है, 20% का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आपके लिए एक डब्बी करीब, मैंने ये दोनों एक साथ मंगवाई थी 640 रुपये में, तो एक डब्बी आपके लिए करीब ये 350 रुपये की, यानी 320 रुपये के आसपास ये हो गई एक डब्बी। तो फ़ायदा है, काफ़ी अच्छा है, 320 रुपये में, बढ़िया।